वेलकम बैक टू माय चैनल विभाति क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी एंड सिंपल सी होम रेमेडी लेके आई हूँ आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, जो आपको डबल एंड ट्रिपल हेयर ग्रोथ देगा, वो भी समर सीजन में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, समर सीजन में एक बहुत ही अच्छा ट्रिपल हेयर ग्रोथ वाली जो रेमेडी है वो लेके आई हूँ मैं आज। तो उसे देखने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी एंड नई नई वीडियो लेके आती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है बहुत ईजी है एंड बहुत सिंपल सी रेमेडी है, और सिर्फ टू स्टेप में, ओनली टू स्टेप्स में आपकी जो रेमेडी है पूरी हो जाएगी है। और ये जो है आपको हमेशा कहीं पे मिल जाएगा, इजिली अवेलेबल है, आपके घर में तो होता ही है या तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, इजिली अवेलेबल है ये। मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा की। एलोवेरा का प्लांट जो है वो आपके घर में तो होता ही है, नहीं तो आपको कहीं भी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आजकल ये जो समर सीजन आ गया है, बहुत ही जो बहुत पॉल्यूशन है, बहुत डर्ट है एंड बहुत ऑयल भी होता है, और जो गर्मी इतनी होती है, इतना पॉल्यूशन है, तो उसकी वजह से जो डर्ट है सारे चिपक जाते हैं बाल के अंदर, जो गंदगी है सब चिपक जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना भी होता है, पॉल्यूशन होता है। तो उसकी वजह से अगर आपके बाल में डैंड्रफ है, डैंड्रफ को भी बिल्कुल रिमूव कर देगा ये। एंड आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल को भी फर्स्ट यूज, फर्स्ट अप्लाई में ही हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा, एंड हेयर ग्रोथ तो होगी ही, इससे बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी। सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ही अच्छी लगती है रेमेडी, इसलिए मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी लेके आई हूँ कि जो मुझे बेनिफिट दे रही है वो मैं आपसे शेयर करूँ ज़रूर। और इस चैनल पे आपको वही वीडियो मिलती है जिसका मैं एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा होता है, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये कौन सी रेमेडी है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बनाने के लिए ये हमें चाहिए एक पूरा एलोवेरा, जितनी भी आपकी हेयर लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपने एलोवेरा लेना है। फ्रेश एलोवेरा लिया है मैंने, फ्रेश एलोवेरा लीफ लिया है मैंने, इसको अच्छे से धो लिया है, और धोने से पहले इसको थोड़ा सा बैंड करके ऐसे रखा ताकि इसका जो येलो लिक्विड होता है वो निकल जाए अच्छे से। फिर इसको धोने के बाद अच्छे से, फिर इसके जो ये साइड के होते हैं, कांटे होते हैं, उसको हम कट कर लेंगे। कांटे अलग करने के बाद इसका हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, बीच से कट करके इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि ये दो पार्ट हो गए। इससे हम जितना भी इसका जेल है वो ज़्यादा जेल हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे रखें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कट कर लिए हैं, अब इसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसको अप्लाई करना है आपने बिल्कुल अपने सर में, जड़ों में, स्कैल्प में, बिल्कुल अच्छे से आपने लगा लेना है, अच्छे से स्कैल्प में, बिल्कुल अच्छे से, जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, जैसे शो हो रहा है वैसे आपने लगाना है, क्योंकि आपको पता है एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें बहुत विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प में, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपका जो हेयरफॉल है, हेयरफॉल भी कंट्रोल होता है, आपके जो हेयर ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट होती है। ऐसे मैंने और भी रेमेडी शेयर की है एलोवेरा की ही, जिससे कि लोगों के बहुत ही जल्दी हेयर ग्रोथ हुई है, मुझे ऐसे ऐसे कॉमेंट्स आए, ऐसे रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट शेयर की है मुझसे, जो 1 वीक के अंदर ही टू टू इंचेस जो हेयर ग्रोथ हुई है। यस फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी जल्दी ये रेमेडी इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है ये, इतना अच्छा ये इफेक्ट करता है आपके बालों पे, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेनिफिशियल ये रेमेडी है, तो इसे आप ज़रूर यूज़ करें। फ्रेंड्स देखिए, जितना अच्छे से हो सके उतना मैंने अच्छे से लगा लिया पूरे स्कैल्प पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से निकाल के, अच्छे से इसका यूज़ कर लिया है हमने एलोवेरा का। उसके बाद जितना भी हो सके आप स्कैल्प पे अच्छे से तो लगा ही लें, और अगर हेयर लेंथ पे भी हो सके तो पूरा लगा लें हेयर लेंथ पे जितना हो सके। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप है आपका कोई भी फेवरेट ऑयल हो, मैं ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल या आपका जो भी फेवरेट ऑयल हो, आमंड ऑयल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। थोड़ा सा लेना है
और फिर हमने हेयर पे लगाना है। हेयर पे हो जाए और हेयर लेंथ पे पूरे अच्छे से लगा लेना है। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप चाहे तो आमंड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, जो भी आपका फेवरेट ऑयल है आप चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो उसको आपने बिल्कुल अच्छे से उसके ऊपर जो एलोवेरा लगाया आपने उसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है, अच्छे से आपने पूरे स्कैल्प पे लगाना है और जो पूरी हेयर लेंथ बच गई है उस पर भी पूरे अच्छे से आपने ये ऑयल लगा लेना है। लगाने के बाद इसे हम 2 आवर्स तक रख देंगे, ऐसे ही 2 आवर्स तक आपने ऐसे रखना है, या शार कैप पहन लें आप या जूड़ा बना के रख सकते हैं आप। 2 आवर्स के बाद हमने इसे शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है। मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं आप देख सकते हैं, और इतनी ज़्यादा शाइनी है, इतनी सिल्की है बाल। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइनी बाल हो गए हैं मेरे, और इससे इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं बाल, क्योंकि जो रेमेडी है मैं अपने बालों के लिए सॉफ्ट के लिए ही इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और शाइनी भी होते हैं। इसलिए मैं ये रेमेडी यूज़ करती हूँ जिससे आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपको बार बार टच करने का मन करेगा, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये रेमेडी आप कब कब यूज़ कर सकते हैं? ये रेमेडी आप वीक में 3 टाइम्स तो ज़रूर यूज़ करें। फ्रेंड्स अब समर आ गया है, अब समर सीज़न आ गया है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको 3 टाइम्स हेयर वॉश तो ज़रूर करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डर्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, पसीना होता है, उससे जो हमारे बाल पे डर्ट चिपक जाते हैं, जो मिट्टी गंदगी जो होती है वो चिपक जाता है, उससे फिर हमारे बाल और ज़्यादा गंदे होते हैं, उससे फिर हेयर फॉल भी होता है, डैंड्रफ भी होता है और भी कई सारी जो प्रॉब्लम्स है हेयर की वो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने वीक में 3 टाइम्स ये हेयर पे अप्लाई ज़रूर करना है, हेयर वॉश ज़रूर करना है, फिर देखिए आपके बालों पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा इसका, जिससे कि आपके हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी, हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा एंड जो आपके डैंड्रफ है, अगर आपके डैंड्रफ भी है वो भी रिमूव होंगे। और ये रेमेडी यूज़ करने के बाद आपके थोड़ा थोड़ा सा आपके बाल जो है घने होना स्टार्ट लगेंगे, आपके जो हैवी बाल हैं जो वो हैवी हैवी सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो ज़रूर यूज़ करें, ये अप्लाई ज़रूर करें, वीक में 3 टाइम्स ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में एंड कमेंट बॉक्स में मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें कि आपके बालों पे इसका क्या रिजल्ट आया है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किसी और वीडियो मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन।